ले जी, एक ही साफ में खड़े हो गए ममूदो याद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, देखे सारे नाजम थे सारे जो जो बड़े सब इधर एक ही जगह पे चाय ले के लाइन में खड़े हो गए, बगैर शुगर और चीनी वाली। हमारे फ्रेंच जर्मनी की जो इंतजामिया है मेन जलसे की, वो इस वक्त लाइन में लाके चाय पी रही है। फिर हमारे जो नारे लगाने वाले मुबशर कालो साहब, आप सब जानते हैं हमारे सैर के रूट वहाँ हैं फ्रैंकफर्ट में, डेली सैर, बाकी कोई बंदा आए ना आए कालो साहब जरूर पहुँचते हैं, ये भी हमारी सैर के पक्के मेंबर हैं। ले जी, इस वक्त आज जुम्मे की शाम मगरब इशा की नमाज से कोई आधा घंटा पहले का टाइम है और चाय स्टैंड के सामने हम खड़े हैं। इस वक्त जर्मनी से कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, कुछ जैसे के मुतालिक बात कर लेते हैं इनसे, थोड़ा तारफ कराएं जी आप पहले सबसे। मोहम्मद सरवर जी, उससे पहले मैं जर्मन में 75 में आया था। नहीं आप, वो तो ठीक है, लेकिन आप मुख्तसर जलसे के मुतालिक बताएं, आप यहाँ आए हैं क्या, आपको मजा आ रहा है क्या, आपने यहाँ पे जलसा? मैंने जलसे जलसे हाँ जी, तो बहुत दिन जाकर तो जलसे की बरकतों से नवाजा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई जलसा मिस नहीं किया। अच्छा, बड़ी बात है जी, और अल्लाह के फजल से अब ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, इन्हीं के साथ मैं जैसे देखता हूँ। अच्छा, कितने भी मजबूत दवार हैं मेरे साथ होते हैं, ये 55 साल के मेरे दोस्त हैं। अच्छा, 55 साल से वाह, देखिए जो बरकत है। आज से पहले मैं बता दूँ कि पहले मैं होटल में ठहरा करता था। अच्छा अच्छा, लेकिन 6 साल से मैं होटल में नहीं ठहरता, यहाँ मैंने यही सोचा कि मैंने 6 ही जलसे देखे। अच्छा, बराबर, ये पॉइंट जो आपने बताया ना, ये पॉइंट बहुत सारे लोगों के काम आएगा, इसलिए कि हम लोग जो है ना अक्सर आपने हुजूर का खिताब भी सुना है, उसमें हुजूर ने जो जलसे के जो मकासद हैं जो असल उस पर रोशनी डाली है, तो ये जो लोग हम अक्सर होटलों की तरफ भागते हैं ना और फिर वहाँ आराम से उठते हैं तैयारियाँ, वो ना फजर ना ना तहज्जुद और बाकी आगे रोटी शोटी खाई और चल गए। हाँ जी, मुझे जितना मैंने लाइफ एंजॉय की है, हाँ जी, 6 साल में मुझे यहाँ खिदमत करने का मौका मिला। अच्छा, वेरी नाइस, दोस्तों के साथ खिदमत करता हूँ, टेंट में रहता हूँ जी, मोहब्बत से, वाह, चार्जिंग करनी लोगों के साथ मोहब्बत प्यार से, बहुत अच्छी सहूलत पैदा करनी, अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी हुई है माशाल्लाह। तो कुछ मेरे जानने वाले दोस्त आ जाते हैं उनके लिए, बिल्कुल मुलाकात का टाइम बढ़ जाता है ना, लेकिन जो जो मुझे मजा आता है इधर, मेरी बहुत कम नींद होती है। अच्छा अच्छा, लेकिन अल्लाह की फजल से मैं 2 बजे सोऊं 1 बजे सोऊं, लेकिन तहज्जुद में मैं वाहत हूँ। बहुत अच्छा, बहुत तहज्जुद भी, लेकिन मैं दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आपने जलसा देखना है तो आपकी इस बात से मेरे अंदर भी जो है ना शौक पैदा हो, और मैं भी कल बोरिया बिस्तरा लेके आऊंगा घर में ठहरे, लेकिन चले, बहुत शुक्रिया। ले जी, आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। अच्छा, और मुझे बचपन से ही यही शौक है। अच्छा, कि जलसा गांव में ही रहना चाहिए। वाह, जब खलीफा राबे अभी सदर जमात थे उस वक्त भी हम खुदामलंदिया में, अच्छा, रवा में ही खुद अपने टेंट लगाकर वहीं रहा करते। वाह, पुराना यानी आपका ये तजुर्बा और मजा बहुत पुराना, बहुत अच्छा। और एक दफा ऐसा भी हुआ था, अच्छा, कि मैं रावलपिंडी से हूँ, तो रावलपिंडी में भी हमने अपने ही घर से टेंट बना के वहाँ पर हमारी पूरी जमात रही थी खुदामलंदिया के तहत, और वहीं हम रहे थे। और यहाँ भी ठीक जर्मनी में भी यही ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर सुबह फजर की नमाज में बिल्कुल बिल्कुल तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलता है, राइट, और लोगों से मुलाकात बहुत एक जरूरी चीज है, बिल्कुल सही, दूसरों के दुख दर्द भी मिलते हैं, खुशी भी मिलती है, और सब इस तरह के, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह जी, ये दोनों दोस्तों ने यही खाना खाने में जबरदस्त। अच्छा, लंगर खाना में आप करते रहे हैं? मैं टेक्निकल आदमी हूँ, अच्छी तौर पे, ठीक है, तो मैं जो लंगर खाने में काम करता था वो शुक्र है अल्लाह ताला के मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा 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 अच्छा, वो ऐसा था कि जो अपना चूल्हे की जो नोजलें टूट जाती हैं उसके अंदर, अच्छा, वो कोई नहीं निकाल सका। अच्छा, वो सिर्फ मैं ही निकालता था। अच्छा, और उससे जमात का फजल से बहुत सारा पैसा जो है वो बहुत अच्छा जी, तो वो टूटे हुए रद्दी बर्नर मैं ठीक करके जमात। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक और दोस्त भी आ तो हॉलैंड से है ना? नहीं, जर्मनी से। जर्मनी से ही? कौन से शहर?
राणा जफर महमूद। अच्छा अच्छा, जमात नोएबर के नोएबर। तो आप माशाल्लाह क्या कर रहे हैं? मैं पहली दफा आया हूँ जलसे पे, बहुत पहली दफा। अच्छा, 20 सालों में पहली दफा। बड़ी बात है जी, और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इधर ही रह। सही, बहुत जबरदस्त जी, कमाल हो गई है, जबरदस्त मजा आ रहा है, बार बार हुजूर को देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, ये अच्छा, इस दफा एक्स्ट्रा शाम को ना सही दीदार हुआ है, सुबह तहज्जुद हुई है। अच्छा, फजर पे हुजूर आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त जी, चलें जी, बहुत नहीं जी, हमारे हुजूर को मिलने की जगह बना। हमारे एक दोस्त आगे खड़े हैं, इनके साथ एक तो ये है कि हम सबसे पहले सबकी बिहाफ पे इजहार अफसोस भी कर लेते हैं। इनके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम मोहम्मद सादक परवेज था, वो मुझे नहीं पता था कि उनकी उम्र 50 साल थी, मैं ये समझता रहा कि 60-70 जैसे जर्मनी में एक रूटीन है कि इस, लेकिन जब इन्होंने बताया तो वो एक अफसोस तो पहले था, शौक महसूस हुआ। वो जमात की बड़ी खिदमत करते थे, जब हुजूर आते थे स्टेशनरी का उन्होंने शोभा संभाला होता था और मुख्तलिफ जमातों में सदर भी रहे। तो चंद दिन पहले उनकी वफात हो गई, सब की तरफ से, सब के बिहाफ पे। अच्छा, आज कल भी रिसेंट सदर थे, तो उसका इजहार अफसोस हम करते हैं और फिर इनसे कुछ तारफ भी हासिल करते हैं, कुछ बताएँगे ये जी थोड़ा करो। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं मीचन में रहता हूँ। अच्छा। और आपने वो सूचना खबर तो सुनी ली है जी, जी। तो यहाँ जलसे पे मैंने कभी मिस नहीं किया। अच्छा, हर साल अलग फल से हम इधर आते हैं। अच्छा, अच्छा जी। और मैं इधर नहीं रहता। अच्छा। मैं होटल में रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। और उसकी एक बैकग्राउंड है, ठीक, इसलिए कि अगर 30,000 बंदा यही इस सोच के साथ आ जाए तो रिहाइश नहीं, ठीक है, तो ये नहीं, नहीं जो पुराने लोग हैं ना जिनको खुदा ने तौफीक दी जी, है जी, जी, जो इस वक्त मतलब माशी लिहाज से बेहतर हैं, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक, उनको अपने बाहर इंतजाम करके वहाँ रहना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, आप अपनी आपकी राय है कि आप राय दे रहे हैं, मैं थोड़ा इससे पर अपना भी एक इजहार कर देता हूँ। अगर आपको कभी मौका नहीं मिला तो आप ये एक दफा मजा लेने के लिए रुके। अच्छा, रुके, ठीक, ठीक है। पहले वक्तों में जब वसाइल नहीं थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो, टेंट लगा के, अच्छा अच्छा, भाई रोड बच्चों के साथ इधर आके रहते हैं। अच्छा, लेकिन अब अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अच्छा, अब हम सारे इधर एक टेंट में कितने लोग आ जाएंगे, इनका हक मारेंगे, जो नहीं मतलब ये जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, जो अपना वो ना होटल का नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा नज़ीर साहब, जो मेरे जहन में ख्याल आया कि हम माशाल्लाह सब, अगर आपके हाँ, अगर आप भाई की चंद खूबियां मुख्तसर में, जैसे जमात की खिदमत, क्योंकि एक भाई जितना जानता है आम लोग नहीं जानते, अगर आप बयान कर दें तो वो लोगों तक वो पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा उनको शौक था जमात की खिदमत का, हाँ जी, यानी कि वो टैक्सी ड्राइवर भी थे, बिल्कुल सही, और अपना काम छोड़ के अपना डॉक्टर ताहिर साहब, ठीक है, और अपना वो जो थे हमारे नायब अमीर, क्या नाम उनका, हैदर अली जफर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और शकूर असलम साहब, हाँ जी, इनके साथ इतना ज्यादा उन्होंने दौरे किए हैं। अच्छा। अपने काम छोड़ के, ठीक, ये जमात की खिदमत में लगे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और कहीं भी कोई भी जमात का अपना मौका उनको मिले, और मेन चीज जो उनकी थी वो ये थी कि वो जो जब हजूर तशरीफ लाते थे, हाँ जी, तो जितना मुलाकातों का जी वो सिस्टम था ना, बिल्कुल ठीक, वो उसको अरेंज करते थे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैंने एक साल भी उनके साथ काम किया इसलिए मुझे इस चीज़ का इल्म है, ठीक है। तो ये मतलब बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में वो हिस्सा लेने वाले थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो भाइयों में ये है कि इतना ज्यादा अफसोस हुआ उसका, अच्छा, उनकी वफात का, अच्छा, पूरी फैमिली ने, बड़े भाई फौत हुए हैं, लेकिन इतना अफसोस नहीं उसको हुआ जितना इनकी यंग उम्र थी ना, उनकी उम्र का भी तो बारह, अल्लाह ताला का दुआ करें, अल्लाह निज़ाम है जी खुदा का जी, जिसने जितना जितना टाइम रिखवाया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा, ठीक है। बात चीज़ें ऐसी होती है ना, जो माँ बाप ने तरबियत की होती है ना, वो पूरी औलाद में फिर आगे नजर आती है, आगे चलती है। तो इनके भाई भी थे, उनका भी हमने देखा है, ये कहा उतार रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। हमीदुद्दीन साहब हैं इनकी लेफ्ट साइड पे खड़े, मेरा ख्याल है ये तारफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम इनके अक्सर इनके साथ बातचीत हमारी सैर में भी होती है, और ये बताया करते हैं किस तरह ये रवा में वो फुटबॉल के या पिंडी, आपका तल्लुक मेन पिंडी से है ना, पिंडी में रिहाइश थी, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए मैं रवा में रहे हैं, वो 8वीं क्लास से लेकर BA तक वहाँ। इनकी मैं दोस्तों के इल्म में इजाफा के लिए एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया था कि मेरे अभी तक कितनी बार ऑपरेशन हुए हैं और इतने स्टंट, कितने आपने बताए थे? 8
आठ स्टंट जो हैं पड़े हुए, चार दफा बाईपास हुआ है और आठ स्टंट पड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ जब सैर करते हैं सबसे आगे होते हैं, यानी इतनी इनकी अच्छी मतलब रूटीन बनी हुई है सैर की, माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की देन है जी। अल्लाह हाँ जी, बताया ही नहीं ना, ये अभी हमने इनसे पूछ लिया एक्स्ट्रा कभी बताएं, ताकि देखें बताने का मकसद ये है कि लोगों को, क्यों जी ऐसा भी कोई हुआ था? अच्छा, मेरा कैंसर था, 9 साल मैंने इलाज कराया, घर में किसी को नहीं पता था। अच्छा, डाम कैंसर था और आज तक मैं डाम की गोली खा रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सिखे, जिन्हों अल्लाह ने बधाई हो ना वो बड़ा इंसान चल सकता। 17 मई 2017 को स्वाटर लेबर ने, अच्छा सब ने कहा था कि 17 मई जो ना तुम्हारी नई बर्थडे है, वो मेरा 10 मिनट स्टॉप हो गया था। 10 मिनट वो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ना। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या था अचानक ही? हार्ट अटैक स्टॉप हो। अच्छा, वो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ना दिल को पंप कर ना। अच्छा, क्योंकि मुझे उस वक्त पता चला जब मेरे मुंह से खून आ रहा था। अच्छा, मैं डॉक्टर पूछा, कहता था कि वो पंप किए थे हार्ट, उसकी वजह से खून है। अच्छा, खतरे वरना कल चीज दी है बस जी, ये एक चलता फिरता फिर मौजा ही है। ये सलाह थे वापस, इन्होंने ये जलसे देखने थे, ये रौनक देखनी थी, इनकी किस्मत में था। आज का भी जो जलसा मैं देखने के लिए आया हूं, कल सारा दिन फ्लाइट जो ना कैंसिल थी। अच्छा, सुबह 5 से लेकर शाम 5:30 तक मैं एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट में 12 घंटे उसके बाद मैंने अपने दोस्त को तैयार किया जो टैक्सी ड्राइवर था, उसको कह रहे मैंने कहा कि तुम टैक्सी छोड़ो तो हम चले। फिर हमने 11:35 में वहाँ मस्जिद के साथ पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। अच्छा, सुबह बाई रोड आए हैं फिर आप? रोड सुबह, कमाल है ये जज्बा देखो जी, जलसे शाम जहाज नहीं लगा तो ना, चलो खिंच रखो गड्डी। बहुत शुक्रिया जी टाइम दिया। मेरा दोस्त मुझे बार बार याद कर रहा था कि मैंने होटल तो आया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी भी ले ली है, आप जल्दी आओ। अच्छा, मैं पहुँच नहीं सका। देख लें बाहर, ये देखें ये दोस्तियाँ, ये जो एक दूसरे के साथ मजबूत लग, ये भी जलसे की सारी बरकत। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का, थैंक यू।